तो PUBG मोबाइल में यूज स्टेशन से पहले ही यूज स्टेशन आ गया, यानी इस दफा आपको दो यूज स्टेशन मिलेंगे। जिन लोगों को पता नहीं यूज स्टेशन क्या है, उनको मैं बताता चलूं कि आपको बोनस यूसी भी मिलेगी जब आप यूसी परचेस करेंगे। यानी आपका लक है अगर चल गया तो 200% बोनस भी आपको मिल सकता है, 140 भी आपको मिल सकता है और 110 भी आपको मिल सकता है। लेकिन स्टार्ट में मैं ये बताता चलूं कि ये मेटस बाय पे आ चुका है, PUBG मोबाइल का अपना यूज स्टेशन अभी तक नहीं आया। मैं आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक दफा जब वो रिफ्रेश कर लेते हैं तो उनका फिर शो ही नहीं हो, तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और किस तरह से इसको हल किया जा सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मेटस बाय पे एक डिस्काउंट आ चुका है, यूसी स्टेशन का बोनस यूसी आपको मिलेगी। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भाई मेटस बाय से हम किस तरह से परचेस कर सकते हैं यूसी से, तो परसों मैंने वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने चेकआउट नहीं की तो आप चेकआउट कर सकते हैं, नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। प्राइम टेस्ट किस तरह से परचेस कर सकते हैं, ऑलरेडी दो वीडियो बना चुका हूँ। यूसी प्ले स्टोर से आप किस तरह से परचेस कर सकते हैं थ्रू बैंक कार्ड या थ्रू सिम कार्ड, दोनों वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटस बाय पे जो यूसी स्टेशन आने वाला, यानी आपको डिस्काउंट मिलेगा यूसी पे बहुत ही ज्यादा। तो चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूं कि डिस्काउंट आपने किस तरह से लेना है। गूगल क्रोम में जैसे ही आप मेटस सर्च करेंगे तो ये देखिए नीचे आ गया मेटस बाय पाकिस्तान, इस पर आप क्लिक करेंगे या आप लिख सकते हैं मेटस बाय पाकिस्तान। सबसे पहला वेबसाइट आएगा PUBG मोबाइल, उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, मेटस बाय पाकिस्तान आपका ओपन हो गया। आपने सिर्फ मेटस बाय सर्च नहीं करना क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम होती है, डॉलर शो होते हैं। तो ये देखिए जैसे ही आप ओपन करेंगे यहां पर यूसी स्टेशन आपको शो होगा, अभी ये गायब हो जाएगा। फिर इसको किस तरह से ढूंढना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर अपनी आईडी भी डालनी होगी, गेम आईडी भी आपने डालनी होगी, फेसबुक आईडी, या आप ईमेल से भी इसमें साइन इन कर सकते हैं। ये देखिए ये आ गया हमारा यूसी स्टेशन। यहाँ से अगर मैं स्पिन करूँगा ना तो ये कहेंगे कि भाई आप पहले लॉगिन हो जाए, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैंने अपने वाले स्पिन जो है वो आज ज़ाया कर दिए है, अभी यहाँ पर मैं दोबारा से अकाउंट बनाऊंगा। तो अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता तो वो भी आप सीख जाएंगे, और आपको मैं ये भी दिखा दूंगा कि भाई यहाँ से आपको दो स्पिन मिलते हैं और आपने किस तरह से करने हैं। ऊपर आप क्लिक करेंगे फेसबुक पे, तो ये देखिए फेसबुक पर आपको लेके आ जाएंगे। ये लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी आईडी और पासवर्ड आप डाल देंगे। फेसबुक से मैंने लॉगिन नहीं होना, मैं फेसबुक से ऑलरेडी लॉगिन हुआ हूँ अपनी आईडी से। यहाँ पर मैं वापस आ जाऊँगा, मेटस बाय के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा, मेटस बाय के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा और मैं मेटस बाय के होम पेज में चला जाऊँगा। यहाँ पर आपको साइन इन नाउ नज़र आ रहा है, साइन इन नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि साइन इन, और यहाँ पर नीचे लिखा है क्रिएट अकाउंट, तो क्रिएट अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना बर्थडे डालना है, जो भी आप डालें, बर्थडे ज़रूरी नहीं है, आप अपना ही बर्थडे डालें। मैं यहाँ पर देखे 1992 में डाल देता हूँ, ये टेंशन ही कोई नहीं है। नीचे आप अपना जीमेल डालेंगे, ईमेल आपके मोबाइल में ये एंटर होना चाहिए क्योंकि इसमें ईमेल जाएगा, फिर आपने वेरीफाई करना है। अच्छा, मैंने यहाँ से जो है अब आईडी जो बर्थडे है वो मैंने टिक सेलेक्ट नहीं की, यानी मैंने सेलेक्ट ही नहीं की थी, मैंने सिर्फ जाके ईयर सेलेक्ट किया था, तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और नीचे जो दो टिक हैं आई हैव रीड एंड एग्री टू द यूज़र एग्रीमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उस पर आप टिक करेंगे दोनों पर और रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर ये प्रोसेस आपको ऑलरेडी आता है तो ये आप स्किप करें, डायरेक्ट आप आगे करें। ये देखिए कह रहे हैं कि आप अपना जीमेल जाके चेक करें, हमने आपको ईमेल सेंड किया है, तो मैं जाके जीमेल जो है अपना चेक करूंगा। जीमेल अगर आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ, मेरा पहला शो नहीं होगा, बाद में जो है वो मैं जब रिफ्रेश करूंगा जीमेल अपना तो वहाँ पर मेटस बाय का एक जीमेल या ईमेल आप कह सकते हैं कि वो आ जाएगा। अगर आपको जीमेल जो है वो पता नहीं है कि कहाँ पर है, देखिए सर्च ऐप देखा होता है हर मोबाइल में, या अगर आपका नहीं है तो आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर मैं जीमेल सर्च कर देता हूँ सिंपल, और ये देखिए जीमेल आ गया, इसको मैं ओपन कर देता हूँ तो नीचे देखिए यहाँ पर अभी तक नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ रिफ्रेश कर दूंगा और ये टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए मेटस बाय डायरेक्ट आ गया, मैं इसको ओपन कर देता हूँ वेरीफाई नाउ, और गूगल में मैंने चूंकि ओपन किया था क्रोम में, तो मैं इसको भी क्रोम में ओपन कर दूंगा और मेरा अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट टाइम पर क्लिक कर दूंगा, ये कह रहे हैं कि जो भी ऑफर वगैरह आते हैं फिर हम आपको ईमेल करते कर दिया करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई नो थैंक यू। होम पेज पर मैं दोबारा आ जाऊँगा, यहाँ पर फिर से वो ऑफर गायब है भाई। आप ऊपर ये देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन ऑफर नहीं है, यानी जो हमारा यूसी स्टेशन है वो यहाँ से फिर गायब हो गया। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। नीचे आपको PUBG मोबाइल का एक आइकन नज़र आ रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप ऊपर क्लिक करेंगे आप इस तरह के एक न्यू विंडो में आ जाएंगे। यहाँ पर आप ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा फिर यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल। ऊपर मेटस बाय पर आप क्लिक करेंगे,
आप होम पेज पे जैसे ही आएंगे ये देखें, दोबारा से आ गया, खुद ब खुद आ गया, आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और अभी मैं यहाँ से आपको दो स्पिन्स करके भी दिखा देता हूँ कि मुझे कितना डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर आपको अपनी आईडी भी डालनी है। अब मेरी आईडी तो ऑलरेडी एक अकाउंट में रजिस्टर है, ये देखे कह रहे हैं कि भाई अपनी आईडी डाल दो, यानी आपकी गेम की जो आईडी है। तो मैं यहाँ पर अपनी आईडी डाल देता हूँ, अपनी नहीं है, मेरे भाई की आईडी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अपनी तो मैं ऑलरेडी अपने फेसबुक के साथ लिंक कर चुका हूँ। तो एक अकाउंट में आप एक आईडी जो है उससे आप ये बोनस और डिस्काउंट जो है वो आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल तरीका है, और सबमिट पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए ऊपर आ गया और अब आप यहाँ से स्पिन कर सकते हैं। दो स्पिन आप डेली कर सकते हैं। तो जिस तरह के पबजी मोबाइल का जो अपना यूसी स्टेशन होता है वो आता है ना, तो यहाँ पर भी वैसा ही यूसी स्टेशन है। मैं स्पिन पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और देखता हूँ कि भाई मुझे कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये देखिए मुझे 120% जो है वो डिस्काउंट मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर डॉलर शो हो रहा है। अगर आप $5 पे करेंगे ना तो पाकिस्तानी रुपीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो बन जाते हैं, तकरीबन 1300-1400 समथिंग बन जाते हैं मेरे ख्याल से $5। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका है, ये तकरीबन 750 रुपये आते हैं, ये 394 या 395 यूसी समथिंग आएगी। यहाँ पर पाकिस्तानी प्लेग अगर शो नहीं हो रहा तो मेडस भाई के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा दोबारा और मैं होम पेज में आ जाऊंगा। ये देखे ये शो हो रहा है अभी पाकिस्तानी प्लेग, अगर फिर भी शो नहीं हो रहा तो आप डेस्कटॉप साइट पर इस तरह कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर शो होगा, लेकिन आज शो हो जाता है ये। तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ये देख सारे रेट जो है वो PKR में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर आपको सही से पता लगेगा कि मुझे कितने रुपए के काटे जाएंगे। अब मैं दोबारा से चला जाता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर देखें दोबारा से वो ऑफर गायब हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, दोबारा से मैं जो है मेडस भाई के ऊपर क्लिक कर दूंगा, होम पेज पे मैं चला जाऊंगा और वहां से मैं वही ऑफर जो है वो यूसी स्टेशन दोबारा से सेलेक्ट कर दूंगा। ये देखें जैसे ही मैं होम पर आ गया तो अब ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर एक स्पिन मैंने मारा है, ये देखिए ये 750 रुपी का मुझे मिल रहा है 390 यूसी। तो ये PKR में यहाँ आपको एग्जैक्ट पता लग जाता है। यहाँ से मैं अगर स्पिन अगेन करूँगा तो ये मुझे वार्निंग देंगे कि ये डिस्काउंट आपका ख़त्म हो जाएगा, ये दोबारा आपको आज के दिन नहीं मिलेगा। तो मैं कहता हूँ ओके, दोबारा से हम कर लेते हैं और यहाँ पर मुझे चुका है 140% बोनस, यानी मुझे मिलेगी 924 यूसी, वो भी 1500 रुपये का, 1500 रुपीज़ का। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अब आप ये परचेज़ किस तरह से कर सकते हैं, मेडस बाय से इजी पैसा और जो सिम का ऑप्शन था यानी JSUPON वगैरह वो हटाया गया है। तो मैं यहाँ पर पे पर अगर क्लिक करूँगा तो ये देखिए बैंक कार्ड आ रहा है और रेजर गोल्ड आ रहा है। तो बैंक कार्ड से आपने किस तरह से परचेज़ करना है और बैंक कार्ड आपने बनाना किस तरह से है, ईजी पैसा से आपका इजी पैसा आपका बैंक कार्ड बन जाएगा। नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या चैनल पर जाके आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है एक पिक्चर, और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर फिर आपने उस कार्ड को किस तरह से पुट करना है और आपने परचेजिंग उससे किस तरह से करनी है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। पिछले एक महीने से जिसने भी कमेंट किया है हर किसी को मैं रिप्लाई देता हूं, और जिसका जो भी प्रॉब्लम होता है मेरी कोशिश होती है कि मैं यहां कमेंट बॉक्स में जो है वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करूं। अगर नहीं होता तो आप इंस्टाग्राम पर आके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।